मध्य प्रदेश में बारिश के बाद खराब हुई सड़कों को मरम्मत का इंतजार है। सड़क बनाने वाली एजेंसी वीवीआईपी इलाकों में बनी हुई सड़कों को दोबारा बना रही है, लेकिन जो सड़कें खराब हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसके रुकते ही उस सड़कों को गड्ढों को भी भरवाया जाए। हम लोग 15 दिन में ये सड़कें हम लोग रिपेयर करने का टारगेट है। ये सड़कों पे मरम्मत का कार्य जहाँ गड्ढे हुए हैं बहुत तेजी के साथ चल रहा है। 15 दिन क्या, बारिश खत्म होकर 2 महीने बीत गए। आलम ये है जहाँ पैच लगा था वो भी उखड़कर मुंह चढ़ाने लगे हैं। हाँ, वीवीआईपी इलाकों में बनी बनाई सड़कें दोबारा बन रही हैं। राजधानी भोपाल के कई सड़कों के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन वीवीआईपी ट्रीटमेंट सड़कों को सुधारने के मामले में तस्वीरें आपके सामने। रोड बहुत अच्छी स्थिति में है, चूँकि दिन भर वीवीआईपी का आना जाना है, लिहाजा सड़कों को दुरुस्त करने का काम पीडब्ल्यूडी करा रही है और कई इलाकों में कई डेडलाइन निकल चुकी, लेकिन अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं। कौन सुधरवा रहा है ये रोड? पीडब्ल्यूडी करा रहा है। ये रोड तो अच्छी, इसमें गड्ढे नहीं है। नहीं, ये चकनाई सरफेस बेकार है ना, सरफेस सुधार। अच्छा, ये बताइए क्यों, ये वीवीआईपी रोड है इसलिए? वीआईपी रोड है क्यों? नेता मंत्री ज़्यादा गुजरते हैं इसलिए? कौन गुजरता है यहाँ से? सभी नेता मंत्री सभी इसी रोड से जाते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री सभी रोड जाते हैं, इसलिए इसको ठीक करा रहे हैं। कौन करा रहा है? पीडब्ल्यूडी। आप क्या देखते हैं? मैनेजमेंट देखते हैं। ये मैनेजमेंट देखने वाले व्यक्ति हैं, बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ये ठीक करा रहा है। वीआईपी मूवमेंट इस रोड पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन तस्वीरें राजधानी भोपाल की आज भी नहीं बदली हैं और हालात सड़कों के इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि आम लोगों को रोज़ाना गड्ढों के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। रोजाना गड्ढों के बीच गुजर बसर करने वाले हजारों वाहन सवार इन गड्ढों से परेशान हैं। अब लोगों ने भी आस छोड़ दी है, यहाँ तक कि इन सड़कों से गुजरने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपनी आप बीती सुनाते वक्त डर लगने का हवाला देते हैं। विकास के 2 पैमाने, एक वीवीआईपी सड़कों को चमकाते हुए आपने देखा, दूसरी अब मैं वो सड़क दिखा रहा हूँ जहाँ से आम लोगों का रोजाना पाला पड़ता है और बड़े पैमाने पर इस सड़क पर हादसे होते हैं। ऐसी कई सड़कें हैं जो पॉश इलाके में है, कुछ लोग उनसे बात करूंगा। आप रोज इस सड़क से निकलते हैं? जी, मेरी बेटी की कोचिंग है इसी लाइन में। अच्छा, रोज दचकों में बीच में जाना पड़ता होगा? बिल्कुल। हादसे भी होते हैं? बहुत, कभी भी कोई भी गिर जाता है। सड़क बन नहीं रही है। आपको लगता है कि वीवीआईपी इलाके में ज्यादा जिस रोड से नेता मंत्री निकलते हैं उसका विकास ज्यादा होता है? हाँ, ये तो कॉमन सी बात है ना, इसमें तो कोई वही नहीं है कि भाई जहाँ लोग जाएंगे नेता वेता जाएंगे वहाँ तो होगा ही, यहाँ कोई जाता ही नहीं नेता। डर भी लगता है कभी? हाँ, कभी कभार। अच्छा, क्या कहना? जब लेट हो रहे होते हैं। अच्छा, तो गाड़ी तेज चलती है? हाँ। क्या कहना चाहोगे सड़क के लिए? इसको ठीक करवा दिया जाए। हालत तो खराब हो तो आम बात है, वो तो देख ही रही हैं। पता नहीं सर क्यों नहीं बन पाती है, बनना चाहिए जरूर है, क्योंकि बहुत ज्यादा धूल मट्टी भी हो रही है, कॉलोनी वालों को भी परेशानी हो रही है यहाँ पे, तो जहाँ पे शॉप वगैरह है इनको भी दिक्कत है। एक्सीडेंट वगैरह तो सर हो ही जाते हैं अगर रोड खराब रहती तो। लोक निर्माण विभाग की 578 सड़कें, 320 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हैं खराब, 400 किलोमीटर सड़कें परफॉर्मेंस गारंटी में हैं, बीते एक साल में 50 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च हो चुका है। ठेकेदारों के जिम्मे 400 किलोमीटर की सड़क है, विभाग के पास सिर्फ 179 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव है। निगम की इन सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। नर्मदापुरम रोड पर मिसरोद से लेकर एम्प्री, एम्प्री से मिसरोद तक, बिट्टन मार्केट से मैनेट तक, नेहरू नगर से पीएनटी तक, रोशनपुरा से कमला पार्क, कोयफिजा से कलेक्ट्रेट होते हुए लाल घाटी चौराहे तक, वीआईपी रोड और डीआरएम रोड हलालपुरा बस स्टैंड से बैरागढ़ तक, तमाम सड़कों की हालत बेहद खराब है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाना चाहिए, संभाग आयुक्त को इसका प्रमुख बनाना चाहिए, जिससे कि सभी एजेंसियों को वो बिठाए। कभी कभी झगड़े होते हैं कि सड़क मेरी नहीं है, ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है, पीडब्ल्यूडी कहता है ये सड़क नगर निगम की है, दूसरी एजेंसी कहती है राजधानी परियोजना की ये सड़क है, तीसरी एजेंसी कहती है ये एनएच की सड़क है। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसकी नोडल एजेंसी बनना चाहिए और नोडल अधिकारी के रूप में संभाग आयुक्त को काम करना चाहिए। वीवीआईपी इलाके की सड़कों के दिन तो फिर गए, लेकिन आपकी और हमारी सड़कों के दिन कब फिरेंगे, इसका जिम्मेदारों के पास कोई सदा हुआ जवाब नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू भातम के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट।